सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉर एवर पर। अब टाइगर 3 मूवी का डे 5 का यानी कि थर्सडे के दिन का यहां पर 16 नवंबर के दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का फाइनल प्रेडिक्शन निकलकर सामने आ चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि टाइगर 3 मूवी अपने डे 5 में कितनी कलेक्शन करती हुई हमें नजर आ रही है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम डे 5 की एडवांस बुकिंग की बात करें तो 4.28 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी। 4.28 करोड़ की एडवांस बुकिंग टाइगर 3 मूवी की डे 5 में हुई थी। वहीं पर इसका जो नेट कलेक्शन का प्रेडिक्शन आ रहा है वो 18.5 करोड़ का आ रहा है, यानी कि 18.5 करोड़ रुपए ये अपने डे 5 के दिन कमाती हुई हमें नजर आएगी। वहीं इसका जो ग्रॉस कलेक्शन होगा डे 5 में वो 25 करोड़ के अराउंड होने वाला है। जो ओवरसीज कलेक्शन है डे 5 का वो 5 से 7 करोड़ के मिड में हमें देखने को मिलने वाला है। वहीं जो इसका डे 5 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन यानी कि 25 करोड़ रुपए प्लस ओवरसीज कलेक्शन यानी कि 5 करोड़ रुपए, टोटल दोस्तों 30 करोड़ की ये कलेक्शन अपने डे 5 में हमें वर्ल्ड वाइड से देखने को मिलने वाली है, जो कि डे 5 के हिसाब से किसी भी मूवी, वो भी इतनी बड़ी मूवी के लिए 30 करोड़ की कलेक्शन बहुत ही ज्यादा डाउन कहलाती है। वहीं हम बात करें अगर डे 5 तक के टोटल कलेक्शन की, तो जो टोटल नेट कलेक्शन है टाइगर 3 मूवी का वो 5 दिन में 188 करोड़ का हो चुका है। 188 करोड़ का इसका फर्स्ट 5 डेज में सिर्फ नेट कलेक्शन इंडिया से हो चुका है। वहीं इसका जो ग्रॉस कलेक्शन है वो 227 यानी कि 227 करोड़ रुपए का हो चुका है। ओवरसीज कलेक्शन 72 करोड़, 72 करोड़ रुपए का ये 5 दिन में ओवरसीज कलेक्शन कर चुकी है। और इसका जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 301 करोड़ को टच कर चुका है। जी हां दोस्तों, फर्स्ट 5 डेज में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 300 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन ये मूवी कर चुकी है, और 301 करोड़ ये अपने फर्स्ट 5 डेज में अर्न कर चुकी है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से, जो कि इस मूवी के लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही कम है। कम से कम जब ये दीपावली के मौके पर रिलीज हुई थी, इसमें हमें टाइगर के साथ साथ पठान प्लस कबीर का कैमियो देखने को मिला है, तो इस मूवी को कम से कम सभी ने सोचा था कि फर्स्ट 5 डेज में कम से कम ये 450 करोड़ की कलेक्शन करेगी, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड में मात्र 5 दिनों में 301 करोड़ की कलेक्शन करती है, जो कि टाइगर 3 और YRF स्पाई यूनिवर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में इसके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब बूस्ट वाला दिन आता है संडे का दिन, तो उस संडे के दिन में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का फाइनल मैच है, तो मूवी में बहुत ही ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिलने वाली है। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, इसका वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 1000 करोड़ तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।